हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हो सब? आई होप सो कि सब बढ़िया होंगे। सो डियर एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, उसके कितने पार्ट्स हैं, इन सभी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। सो अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स आते हैं वो 1 से लेके 395 तक आर्टिकल्स आते हैं। जो टोटल आर्टिकल्स हैं 1 से लेके 395 तक हैं, एंड जो इसके पार्ट्स हैं वो 1 से लेके 22 तक हैं। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड की तरफ करें तो इस बुक को अगर देखें तो इसका सबसे पहला जो पेज आता है दैट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मतलब एक आउटलाइन, प्रीएम्बल मतलब एक आउटलाइन। सो लेट मी टेक सम पेन सो दैट वी कैन हाईलाइट इट। सो प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल एक तरह की आउटलाइन है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार का होगा, उसकी इस कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होगा। देखिए तो यहाँ पे लिखा है, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट सेट्स आउट द गाइडिंग पर्पस, प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रीएम्बल है वो वास्तव में क्या है, हमारे पूरे संविधान वो किस लिए लिखा गया, यानी हमारे संविधान का पर्पस क्या है, उसके सिद्धांत क्या होंगे, उसको कौन सी फिलॉसफी पे बनाया गया है, ये सारे का सारा इस प्रीएम्बल में बताया गया है। और ये प्रियम्बल जो है ये किन बातों का आइडिया देता है, इससे हमें किन बातों का आइडिया होता है? तो पहला था सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है वो कहाँ से लिया गया, तो इसका भी जिक्र आपके प्रियम्बल में देखने को मिलेगा। दूसरा हम बात करें तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी जो इंडिया बनेगा, इंडिया जो बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है, डेमोक्रेटिक होगा या कैसा होगा, ठीक है, वो सारे का सारा इसमें जिक्र देखने को मिलता है। उसके बाद तीसरे पॉइंट में स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, इसके मकसद क्या होंगे, और फोर्थ में इसमें डेट ऑफ अडॉप्टेशन यानी इसको कब अपनाया गया, इसका भी जिक्र आपके प्रीएम्बल में देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं, इसमें तीन चार चीजों की बात की गई है। एक लिबर्टी लिबर्टी, दूसरा पे आपका जस्टिस जस्टिस लिबर्टी, देन इक्वलिटी एंड देन फ्रटर्निटी ब्रदरहुड। ठीक है, तो जस्टिस क्या कहता है कि सोशली तौर पे, इकोनॉमिक तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे जस्टिस होना चाहिए, सभी के साथ न्याय। ठीक है, सामाजिक तौर पे, फिर इकोनॉमिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे, तीनों तौर पे जो है वो न्याय होना चाहिए। लिबर्टी की बात करें, आजादी की हम बात करें तो लिबर्टी ऑफ थॉट, आप कुछ भी सोच सकते हो, एक्सप्रेशन आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, बिलीफ आप किसी में भी बिलीव कर सकते हो, आप किसी भी गॉड को मान सकते हो, इन सब बातों की आजादी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है। इक्वलिटी की बात करें कि इंडिया में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी कलर के हों, बस उनको ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सभी को स्टेटस की और सभी को अपॉर्चुनिटी जो है वो इक्वलिटी, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अमीर है गरीब है तो कानून की नजर में सारे एक है। ठीक है, हमारे संविधान की नजर में सभी के सभी को इक्वल माना गया है। आगे बात करते हैं फ्रटर्निटी यानी ब्रदरहुड की, तो ब्रदरहुड मतलब अशोरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो यहाँ भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन दिया गया कि हम सभी भाई भाई है और ब्रदरहुड की भावना के साथ हमको रहना है, एक दूसरे के जो अधिकार है उनको हनन नहीं करना है, एक दूसरे की डिग्निटी को हर्ट नहीं करना है, और सभी को मिलजुल के एक इंटेग्रेटेड देश की तरह, मतलब इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन को बचाए रखना है और भाईचारे की भावना के साथ रह रहा है, ये सब हमको बताता है प्रीएम्बल। तो इसको बुक में कैसे लिखा गया, तो इस साइड आप देख सकते हो, ये आपका पहला पन्ना है और ऐसा लिखा गया इसके अंदर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रटर्निटी, इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। और ये हमको हमको हमारा संविधान हमने खुद दिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया,
हमारा संविधान हमको कौन दे रहा है, हमने खुद को ही खुद का संविधान जो है वो दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा डेमोक्रेटिक है, गणतंत्र राज्य रहेगा, ठीक है। और फिर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारा क्या है। और कब अडॉप्ट किया गया इसको, तो इसको किया गया 26 नवंबर, दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ठीक है। तो इसको इस बात को ध्यान में रखिएगा, 26 नवंबर, ओके। यहाँ पे थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा प्रॉपर कि पहली बार यूज कर रहे हैं, 26 नवंबर, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा चल नहीं रहा अपने पास, लेट मी टेक इरेजर। चलो चलिए इसको हटा लेते हैं, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये भैया ठीक है, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो जो पार्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे वो कुल मिला के 22 पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स। तो पहले हम पहले पार्ट की बात करें, तो पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द यूनियन। तो इसमें क्या है, 1 से लेके 4 आर्टिकल्स आते हैं, ये बताएगा कि जो इंडिया की टेरिटरी है, ठीक है, इंडिया का जो बॉर्डर है, सारी साइड पर जो टेरिटरी होगी, बाउंड्री होगी, वो कौन सी होगी, उसके बाद उसके बारे में जिक्र यहाँ पे किया गया है। पार्ट सेकंड की हम बात करें, हियर इट इज पार्ट सेकंड। तो जो पार्ट सेकंड है आर्टिकल 5 से 11, जिस सिटीजनशिप से डील करता है, ठीक है, किससे डील करता है, सिटीजनशिप से, किससे डील करता है, सिटीजनशिप से, ठीक है। पार्ट सेकंड जो है वो सिटीजनशिप से डील करता है। आगे बात करें पार्ट थर्ड की, तो पार्ट थर्ड जो है जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, और इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है, यानी एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार क्या है उसका जिक्र देखने को मिलता है आपके पार्ट थर्ड के अंदर। आगे हम बात करें पार्ट फोर की, तो पार्ट फोर के अंदर आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आते हैं, जिसमें डीपीएसपी है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक स्टेट कैसी बनेगी, उसमें कौन कौन सी पॉलिसीज रहेंगी, वो सारे का सारा आपको आर्टिकल 36 टू 51 से पता चल जाता है। ले आगे बात करते हैं, तो आगे जो पार्ट फिफ्थ है, पार्ट फिफ्थ ये हमको क्या बताता है, तो आपका पार्ट फिफ्थ है, ये बताता है गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल, गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल। आप देख लीजिए 52 से लेके 151 तक, ठीक है। तो यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट कैसी रहेगी, आप कह रहे हो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट कैसी रहेगी, उसके बारे में जिक्र जो है यहाँ पे किया गया है। मैं टेक दिस हटा लेते हैं थोड़ा सा, चलिए तो इसको हटा लेते हैं, चलो तो पेन ले लेते हैं यहाँ से। चलिए आगे बात करते हैं, तो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक गवर्नमेंट एट यूनियन लेवल बताता है कि सेंटर में गवर्नमेंट कैसी रहेगी। और जो पार्ट सिक्स है 152 से लेके 237 तक, ये आपको बताता है गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल की, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट कैसी रहेगी। उसके बाद आगे बात करते हैं पार्ट सेवन की, तो पार्ट सेवन जो है आर्टिकल 238 है, ये द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, ठीक है, पार्ट बी के अंदर जो समझ लो पार्ट बी है, जो कि स्टेट्स के बारे में बताता है, ठीक है, 238 आर्टिकल्स। आगे चलते हैं पार्ट एट जो है 239 to 41, ये यूटी के बारे में बताता है, यूनियन टेरिटरी के बारे में। पार्ट नाइन जो है इसको ओमिट कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से, सातवीं अमेंडमेंट करके इसको ओमिट कर दिया गया था, और इसके ऊपर हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, ये आर्टिकल क्या था, उसको क्यों ओमिट किया गया, ये सारे का सारा। आगे बात करते हैं पार्ट नाइन की, और सॉरी पार्ट टेन की, तो पार्ट टेन जो है जी आर्टिकल 244 से लेके 244A तक आता है, जिसमें शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के ऊपर बात किया गया है। आगे बात करते हैं पार्ट इलेवन, तो पार्ट इलेवन जो है ये डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, कि सेंट्रल स्टेट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, ठीक है, उसके ऊपर बात की गई है। आगे बात करते हैं पार्ट 12, जिसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं और 264 से लेके 300A तक आते हैं, जिसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ठीक है, इसके ऊपर बात की गई है। आगे बात करते हैं हम पार्ट 8 की, तो पार्ट 13 के अंदर आर्टिकल 301 से लेके 307 तक आते हैं, जिसमें ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, इन सब चीजों का तरह, मतलब इंडिया की टेरिटरी के अंदर आपका जो व्यापार रहेगा, जो कॉमर्स रहेगा, उसके ऊपर जो आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल, वो 301 से लेकर 307 तक आते हैं। आगे हम बात करें पार्ट 14 में जो है जी आर्टिकल 308 से लेके
आर्टिकल 308 से लेके 323 बी सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है, स्टेट्स और यूनियन के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज रहेंगी उसके ऊपर बात की गई है। आगे हम बात करते हैं पार्ट 15 की, तो इसके अंदर आर्टिकल 324 से लेके 329 ए आते हैं जिसमें इलेक्शंस के ऊपर बात की गई है। जैसे अभी आमतौर पर जो इलेक्शंस हो रहे हैं ना, तो डियर स्टूडेंट्स ये पार्ट 15 जो है ये स्पेशली तौर पे आपका आर्टिकल इलेक्शन के साथ डील करता है, जिसके अंदर आर्टिकल 324 से लेके 329 ए तक सारे के सारे कवर होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, तो पार्ट 16, पार्ट 16 की बात करें आर्टिकल 330 से लेके 342 तक आता है, जिसमें स्पेशल प्रोविजन है रिलेटेड टू सर्टन क्लासेस, कुछ क्लासेस को स्पेशल प्रोविजंस की बात की गई है। आगे बात करते हैं आपका पार्ट 17, तो पार्ट 17 के अंदर आर्टिकल 343 से लेके 343 से लेके 351 तक आते हैं, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर बात की गई है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी क्या क्या रहेगी। फिर पार्ट नाउ इट्स 18, पार्ट 18 के ऊपर बात करें तो पार्ट 18 जो है आर्टिकल 352 से लेके 360 तक है, जिसमें इमरजेंसी प्रोविजंस के ऊपर बात की गई है, इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। सो आगे पार्ट 19 की बात करें तो मिसलेनियस आ जाता है, मिसलेनियस, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 20 की बात करें तो अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, क्या आ जाती हैं, अमेंडमेंट्स। और बाकी दो पार्ट्स के जिक्र जो है वो यहाँ नहीं है। तो कुल मिला के 22 पार्ट्स है, जिसमें से 20 पार्ट्स का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ हमने दे दिया। और लेट मी टेक, हाँ, एक से लेके 22 तक है। सो डियर स्टूडेंट्स, दो पार्ट का आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको हम ऐड करते हैं कि दो पार्ट्स में जो 21 और 22 पार्ट्स था उसमें क्या क्या है। तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन 20 पार्ट्स को लेके कि 20 पार्ट्स के अंदर ये आर्टिकल्स आते हैं और ये इसके अंदर प्रोविजंस हैं। तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते चलेंगे, और जैसे ही ये पार्ट 20 तक पहुंचेंगे तो हम पार्ट 21 और 22 को भी इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर 20 पार्ट्स का जिक्र किया गया है, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स रहेंगे वो सारे का सारा इसी पार्ट्स में कवर हो जाता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। और चलिए अगले देखते हैं, हम पहले पार्ट के आर्टिकल्स को देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो हियर इट इज, पार्ट पहला जो है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसके अंदर आर्टिकल 1 से लेके 40 आते हैं, और जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल वन क्या कहता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। यूनियन की नाम अगर रखना है ना, नाम रखोगे और टेरिटरी बाउंड्री जो बनाओगे उस आर्टिकल के साथ डील करता है। दूसरा एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, अगर आपको कोई नई स्टेट बनानी है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट करना है, उसके दौरान आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है वो आर्टिकल 2 में बताया गया है। आर्टिकल 3 की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अगर आपने नई स्टेट बनानी है जहाँ एरिया का अल्टरेशन करना है, कोई एरिया है उसकी बाउंड्री को चेंज करना है, और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है, पहले कोई स्टेट थी उसकी बाउंड्री को आप मॉडिफाई करके जहाँ उसका नाम चेंज करने जा रहे हो, तो वो सारे का सारा आपका नई स्टेट बनाने जा रहे हो, या फिर एरिया का अल्टरेशन यानी उसकी बाउंड्रीज का अल्टरेशन कर रहे हो, बाउंड्री चेंज कर रहे हो, तो वो आपका आर्टिकल 3 के साथ डील करता है। आगे हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की, तो पार्ट सेकंड सिटीजनशिप से डील करता है, 5 से लेके 11 आर्टिकल इसमें कवर होते हैं, लेकिन एग्जाम्स के अंदर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, इसीलिए हमने इसको ज्यादा डिटेल में आके डिस्कस नहीं किया। हमारा मेन फोकस है जो एग्जाम्स के अंदर आर्टिकल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसी को कवर करें। सो लेट्स कम टू योर नेक्स्ट पार्ट 3। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, तो पार्ट 3 जो है जो फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है, जिसके जिसमें आर्टिकल 12 से लेके 35 तक कवर होते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए आर्टिकल 12 को पढ़ते हैं, आर्टिकल 12 क्या बोलता है। आर्टिकल 12 कह रहा है, इन दिस पार्ट द स्टेट इंक्लूड द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द ईच ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल लोकल आर other authorities will the territory of India or within the territory of India or under the control of government of India। ये कह रहा है इस पार्ट के अंदर कि स्टेट इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, कोई भी मतलब स्टेट की बात की गई है, एक्चुअली इसमें जो स्टेट वर्ड है ये इंडिया के लिए भी यूज किया गया है। सो द स्टेट इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, इसे कह रहा है कोई भी स्टेट है जिसके अंदर इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, जिसके अंदर गवर्नमेंट भी आ जाती है, पार्लियामेंट भी आ जाती है,
ठीक है, लैगिस्लेचर भी आ जाता है, उस स्टेट का लैगिस्लेचर भी आ जाता है, जितनी लोकल लोकल अथॉरिटीज हैं या दूसरी अथॉरिटीज हैं जो कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहेंगी। मतलब इंडिया के अंदर जितनी भी है स्टेट है पार्लियामेंट है, वो सारे का सारा कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में कंट्रोल रहेगा, कोई बाहर से इसको कंट्रोल करने वाला नहीं। ठीक है, तो पूरी तरीके से एक है कि जो कुछ भी है वो इंडिया के हाथ में ही है। आगे बात करते हैं। आर्टिकल 12 के ऊपर हमने पहले बात कर चुके हैं और अब हम बात करते हैं आपके आर्टिकल 14 के ऊपर। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने वही आर्टिकल्स का पे फोकस किया है जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 की हम बात करें, व्हाट इट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून की नजर में सभी एक समान हैं, फिर वो किसी भी कास्ट के हों किसी भी कलर के हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ आर द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये इंडिया के टेरिटरी के अंदर कोई भी व्यक्ति सभी को एक समान अधिकार है, कोई भी स्टेट ठीक है जो है इस बात से डिनाई नहीं कर सकती, वो किसी पर्सन को इक्वल 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 अधिकार नहीं देंगे, सभी कानून की नजर में सभी एक समान है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 15। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ, कि आप किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म को लेके, रिलीजन उसके धर्म को लेके, ठीक है, रेस कास्ट उसकी कॉस्ट को लेके, उसके सेक्स को लेके या उसकी प्लेस ऑफ बर्थ को लेके आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑल सिटीजंस इन मैटर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, कि सभी को एक समान अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट को लेके या अपॉइंटमेंट को लेके, किसी भी ऑफिस में कोई भी बंदा काम कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, मतलब एम्प्लॉय बन सकता है उसका, और कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो आर्टिकल 16 के तहत आप उस पर जो है कार्रवाई करवा सकते हो। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 17 पे, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी छुआछूत नहीं कर सकते, और इसको लेके अगर कोई कंप्लेंट करे तो एसपी लेवल की जो है वो कंप्लेन होती है, एसपी खुद इस बात को इस पर्सनल मैटर को पर्सनली अटेंड करता है। तो इसलिए आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के साथ जो आर्टिकल डील करता है वो आर्टिकल 17 डील करता है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 18 के ऊपर। आर्टिकल 18 डील करता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, देखिए पहले जमाने में मतलब जिस समय अंग्रेज यहाँ पे थे तो जो महाराजा के जो बेटे होते थे या उनकी जो डॉटर्स होती थी उनके नाम के साथ महाराजा लगा रहता था, महाराजा राणा प्रताप सिंह ऐसे कुछ नाम थे। तो जब इंडिया आजाद हो गया तो उन्होंने कहा कि इस तरीके के टाइटल्स को हम अबोलिश करते हैं जो कि पीढ़ियों से पीढ़ी चले आ रहे थे। तो उन्होंने कहा, नो टाइटल बीइंग अ मिलिट्री एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड द स्टेट। तो इसमें क्या था, बस जैसे मैंने बताया, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड द स्टेट। दूसरा, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। बाहर फॉरेन स्टेट का कोई भी टाइटल यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं था, और वहां पे जो हमारे यहाँ पे मतलब जो टाइटल लगते थे जैसे मैंने आपको बताया, महाराणा, अगर कोई महाराजा का कोई लड़का हो तो उसका भी महाराजा राणा प्रताप सिंह ऐसे करके बुलाते थे, तो उन टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया कि ये सब टाइटल जो है ये अबॉलिश होते हैं। आगे हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, फंडामेंटल राइट्स। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, तो हम इसको डील करते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स 12 से लेके 35 तक इसके अंदर आते हैं, और ये क्या क्या कवर करते हैं इसको देखते हैं। तो आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1 है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स एंड रिगार्डिंग, जो आपका आर्टिकल 19 है वो कुछ फ्रीडम्स देता है हमको, कुछ राइट्स देता है, ठीक है, रिगार्डिंग फ्रीडम स्पीच। ठीक है, तो ये कौन कौन से राइट्स हैं, एक सिटीजन के पास ये वाले राइट्स होने चाहिए, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो क्या कर सकता है, वो बोल सकता है, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकता है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोल सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड विदाउट आर्म्स। अब आप बोल सकते हो, आप स्पीच कर सकते हो कहां भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विदाउट आर्म्स।
आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए। दूसरा, टू फॉर्म एसोसिएशन आर यूनियन, आप अपनी एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, आप पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है, फ्रीली घूम सकते हो। टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया की किसी भी टेरिटरी में जाके प्रॉपर्टी ले सकते हो, वहां रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन आर टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप किसी भी प्रोफेशन को मानिए, किसी भी प्रोफेशन को करिए, किसी भी व्यापार को करिए, आपको पूरी आजादी हमारा संविधान जो है वो देता है। आगे बात करते हैं, रेस्ट्रिक्शंस आर गिवन व्हाट नॉट टू डू। तो आर्टिकल 19 के अंदर जो इसका क्लॉज 2 है, उसके अंदर ये बताया गया है कि इस आर्टिकल के तहत आप क्या क्या नहीं कर सकते। जैसे पहला, नथिंग इन सब क्लास ऑफ वन क्लास शैल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ। कि ये जो आर्टिकल 19 जो है, इसको कोई भी लॉ हटा नहीं सकता, ये लगेगा सब पे। और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इन सो फार सच लॉ इम्पोजेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कंफर्ड बाय द सेड सब क्लॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। जब तक कि कोई कोई जो है वो इस आर्टिकल्स 19 का गलत इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है। गलत इस्तेमाल मतलब जैसे आपने गैदरिंग कर ली, आपको एक्सप्रेशन करने की आजादी है पूरी की पूरी, लेकिन आप हथियार लेके कर रहे हो, तो वो उस पे जो है वो कार्रवाई होगी, उसको वहां पे ये नहीं कह सकते हो ये मेरी फ्रीडम है, तो आप आर्म्स लेके ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अपने फंडामेंटल राइट्स के तहत कुछ ऐसी बातें ना कर दें जो कि उसके अंदर ऑलरेडी अबॉलिश कर गई है। कंफर्ड बाय द स्टेट सब क्लॉज, इसमें क्या लगता है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, जो क्या करे देश की, जब आप फंडामेंटल राइट्स के का इस्तेमाल तो कर रहे थे, लेकिन उससे हमारी सोवरनिटी को, इंडिया की इंटेग्रिटी को खतरा है, ठीक है। द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंपैक्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसिमेंट टू एन ऑफेंस। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो कि जिससे हमारे देश की सॉवरनिटी को, इंटेग्रिटी ऑफ नेशन को इफेक्ट पड़ता है, तो वहां पे जो है ऑब्वियसली एक ऑफेंस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। आगे बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो हियर वी आर विद आर्टिकल, ये सब डील हो चुका है, आर्टिकल 19 डील हो चुका है, अब आर्टिकल 19 डील कर चुके हैं, अब डियर स्टूडेंट्स अब हम डील करेंगे, ओके वेट, आर्टिकल 12 हम पढ़ चुके हैं, 12 हो गया, 14, 16, 17, 18, 18 भी हो गया, उसके बाद 20 आर्टिकल्स भी, 19 आर्टिकल्स हो गया, उसके बाद 20 आर्टिकल्स, अब आर्टिकल 20 की तरफ बात करते हैं। जो आर्टिकल 20 है ये क्या कहता है, व्हाट इट सेज आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। अगर आप कोई अपराध कर देते हो, ठीक है, आपने कन्विक्ट कर दिया है कोई ऑफेंस, तो उसके उसके लिए जो प्रावधान होंगे, उससे बचने के जो प्रावधान होंगे, वो आर्टिकल 20 के अंदर बताए गए हैं। नहीं, पहला इसके अंदर भी एक सब क्लॉज है, जो पहला है वो इस कुछ इस प्रकार है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस, नॉट बी सब्जेक्ट्स टू पेनल्टी ग्रेटर देन विच माइट हैव बिगिन इन्फ्लिक्ट अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। मतलब नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है, नहीं शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी दूसरा अपराध पे, फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन एट द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस, ठीक है, मतलब एट ए टाइम पे एक व्यक्ति पे एक ही ऑफेंस लग सकता है, नॉट बी सब्जेक्ट टू पेनल्टी ग्रेटर देन व्हिच माइट हैव बीन बिगिन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। कि जब उस बंदे ने जो अपराध किया, आप ऐसा समझ सकते हो कि एक काम की, एक गलती की एक ही बार सजा मिलेगी, दो बार सजा नहीं मिल सकती, ठीक है। और उसको जो जुर्माना लगेगा, वो जो जब उसने ऑफेंस किया था, तो उसी का लगेगा जब उसने वो पहला अपराध किया था, ठीक है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन टाइम। आर्टिकल क्लॉज 2 में इसका जिक्र किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को आप सेम ऑफेंस के लिए, फिर वो एक से दो बार कर दे चाहे, तो उसके लिए बार बार प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, उसकी सजा एक ही मिलेगी। जैसे एक बंदे ने एक फांसी किया, या चार फांसियां मतलब किसी को लगा दी हैं, चार कत्ल कर दिए हैं, लेकिन उसको सजा तो एक ही बार मिलेगी, उसको बार बार सजा नहीं दे सकते, ठीक है। तो यही बात ऊपर भी की गई थी, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस
एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज ऑफेंस। तो इसको जो पेनल्टी पड़ेगी वो जब इसके पहला जो अपराधी घोषित हो गया था उस हिसाब से पड़ेगी। तीसरा पार्ट, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कि किसी व्यक्ति, वो व्यक्ति जिस पे केस है, जिसको आपने अक्यूज बनाया है कि ये दोषी है, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो खुद के खिलाफ विटनेस दे। जैसे कई बार पुलिस, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि पुलिस जो है डरा धमका के जो है उसको कहती है कि नहीं आप स्वीकार करो, आप मानो कि आपने ये जो ये काम किया हुआ है, तो वो जो है ये ऐसा पुलिस नहीं कर सकती है। क्योंकि आर्टिकल 20 के अंदर ये लिखा गया है कि कोई भी पर्सन जो अक्यूज ऑफेंस का, उसको आप कंपेल नहीं कर सकते वो खुद के खिलाफ अपनी जो है वो गवाही दे। ये आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 कहता है। आर्टिकल 21 की बात करें, आर्टिकल 21 जो है क्या डील करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, मतलब आपकी जिंदगी बचाने के लिए और आपका जो पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है, उसको बचाने के ऊपर बात करता है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। तो कोई भी पर्सन जो है उसकी पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल आजादी से डिप्राइव नहीं हो सकता है जब तक कि वो कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करता है। ठीक है, ये बात है। आर्टिकल 21 से मतलब बाहर से कोई आपका आके घर नहीं तोड़ सकता, ठीक है, तो उसके खिलाफ आपके प्रावधान बने हुए हैं पर्सनल लिबर्टी, और आपकी कोई पर्सनल आजादी जो है वो उसको हर्ट नहीं कर सकता। आर्टिकल 21 इसके ऊपर आपको पूरी आजादी देता है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। आर्टिकल 21 ए के ऊपर बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ए आर्टिकल डील करता है। ये द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 टू 14 ईयर्स इन सच मैनर्स एज द स्टेट मे बी बाय लॉ आर डिटरमाइंड। कि जो स्टेट है उसको 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना जरूरी है, अनिवार्य है। और नोट आर्टिकल ये सब नोट इसको ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल 21 और 21 ए जो है ये सस्पेंड नहीं होते, जब इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी जब लगती है, लेकिन आर्टिकल 21 और 21 ए किसी भी सूरत में सस्पेंड नहीं होते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 21 ए कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है। आर्टिकल 21 ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, और अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, ये दो बहुत बार पूछे जाते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड लेबर्स। ठीक है, तो 23 के अंदर जो पहला क्लॉज है ये बोल रहा है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स कि जो ट्रैफिक है एंड बैगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड। ठीक है, सो मतलब फोर्स लेबर जो है आप किसी से जबरदस्ती लेबर नहीं करवा सकते, जबरदस्ती कोई बंधुआ मजदूर आपका बंधुआ मजदूर नहीं है। आर प्रोहिबिटेड एंड और एनी कन्वर्सेशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस एंड पनिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और कोई अगर व्यक्ति किसी से जबरदस्ती लेबर करवाता है तो वो एक अपराध माना जाएगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये पहला क्लॉज। दूसरे की बात करें, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विसेज द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट कलर और एनी ऑफ देम। नथिंग इन आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपलसरी सर्विसेज। कि जो कंपलसरी सर्विसेज हैं पब्लिक पर्पस के लिए उसको इम्पोज करने से स्टेट को कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, एंड इन इम्पोजिंग, और अगर ये सर्विसेज जो है ये भी जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ, आप किसी का ये नहीं देखोगे कि हाँ ये काली कलर का है तो इसको ये सर्विस नहीं देनी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी धर्मों के लोगों को, फिर वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कलर का हो, कुछ भी हो, सभी को जो है कंपल्सरी सो सर्विस, बेसिक सर्विसेज जो है वो सभी को मिलनी चाहिए। आर्टिकल 23 कहता है, आर्टिकल 23 का सेकंड क्लॉज कहता है कि सभी को बेसिक कंपलसरी सर्विसेज जो सभी को मिलते हैं वो सभी को देनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास। ठीक है, आर्टिकल 24 की बात करते हैं। 24 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्स के अंदर ये आर्टिकल्स भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे हमारा स्लाइड चल नहीं रहा, चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो हेयर वी आर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शैल बी एम्प्लॉयड। कि 14 साल से कम बच्चे को आप काम पे नहीं रख सकते इन एनी फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में या माइन में, या किसी हजारडीस एम्प्लॉयमेंट में आप उसको नहीं रख सकते। ठीक
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकल 25 आता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस। आप किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी धर्म को प्रोपगेट कर सकते हो, मान सकते हो, आपको पूरी आजादी है, आर्टिकल 25। 26 की बात करें, 26 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर। ठीक है, ये जैसे मतलब जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं आप उसमें भाग ले सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो, आपको आपको कोई आपत्ति नहीं है, पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको पूरी आजादी देता है। आर्टिकल 27 की ऊपर बात करें तो आर्टिकल 27 क्या कहता है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए अगर आप टैक्सेस देना चाहते हो तो आपको पूरी आजादी है। नो पर्सन कैन बी फोर्स टू पे टैक्स ऑन पर्टिकुलर रीजन, लेकिन आप किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते कि वो किसी पर्टिकुलर रीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स पे करे, वो क्यों करेगा। ठीक है, आर्टिकल 28, फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप। आप किसी आप आपका मन करे आप मस्जिद में जाओ, आपका मन करे आप गुरुद्वारे में जाओ, आपका मन करे आप चर्च में जाओ, तो ये आजादी आपको आर्टिकल 28 देता है कि आप किसी भी रिलीजियस वर्शिप कर सकते हो इन सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो भी फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जितनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन उसको अटेंड कर सकते हो, रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो जितने भी ऐसे रिलीजियस जो आपके इंस्टीट्यूट हैं वहां अगर आप जाके पढ़ाई करते हो, जब उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो, तो आपकी इस बात की आजादी है। नेक्स्ट बात करते हैं आप।